ड्रीम इलेवन पे अभी से जो 11 प्लेयर को सबसे ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं वो 11 प्लेयर ये हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज्यादा है। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मुकाबला जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में खेला जाने वाला है, आज के मैच में कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है ये फाइनल बताऊंगा, ताकि आप मेगा गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिक से यूनिक टीम बना सको बड़े इजीली। वहीं बात करेंगे खिलाड़ियों के ऊपर, सारे खिलाड़ियों का डेप्थ एनालिसिस करेंगे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे कि सोफी डिवाइन, अमेलिया केयर, सुजी बेट्स न्यूजीलैंड की तरफ से, क्या आज के मैच में ये अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं या फिर इनमें से कोई फ्लॉप भी जाने वाली है, इस पर हमारा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसका इस पर प्रिडिक्शन भी हमारा ज़रूरी है। वहीं पर पाकिस्तान टीम की तरफ से मुनीबा अली, निदा डर, उसके बाद उमैमा सोहेल और सादिया इकबाल, क्या ये चार खिलाड़ी जो बड़ी खिलाड़ी हैं आज के मैच में चल सकती है या फिर फ्लॉप जा सकती है। फातिमा सना तो उसके फादर का डेथ हो गया, उसकी वजह से वो अभी खेल नहीं रही है इस मैच में भी, सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थी। लेकिन चलो आज के मैच में कौन कौन खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है पाकिस्तान की तरफ से, वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से कितने खिलाड़ी डीम टीम का हिस्सा बनने वाली है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। भाई आज का जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो पिच बिहेवियर है ना वो क्या कहता है उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं आज के इस वीडियो में भी मैंने गिवे रखा हुआ है, अगर गिवे में पार्टिसिपेट करना है तो जाओ फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करना ताकि मैं आपको गिवे विनर बना सकूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आज का जो लाइक टारगेट है भाई ओनली 1500 लाइक टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि जैसा सारे वीडियो में आप सपोर्ट करते हो ठीक वैसा ही इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे और एक लाइक जरूर से अपना लाइक का बटन दबाओगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दोगे ताकि ये लाइक टारगेट जल्दी से पूरा हो जाए। दोस्तों जो लोग भी वीडियो देख करके टीम बनाते हैं ना बहुत टॉप रैंकिंग कराते हैं अपनी टीम को, तो पूरा वीडियो देखना, आधी अधूरी वीडियो देखोगे हमेशा लॉस में रहोगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर ये मैच खेला जाने वाला है। आगे मैं आपको पिच रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करके देने वाला हूं कि यहां पर पेसर या स्पिनर कौन बेटर रहेगा और किसके पाले ज्यादा विकेट्स जाने वाले हैं, वहीं पे बात करेंगे। तो यहां पर बल्लेबाजों का क्या हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि दुबई का जो मामला है भाई दुबई का कुछ अलग ही मामला है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दुबई का कुछ ऐसा मामला है कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होने की वजह से ना आप पीच पे दरार आ रहा है और दरार आने की वजह से पिच धीमा हो रहा है। अब धीमा होने की वजह से कहीं ना कहीं स्पिनर को स्विंग मिल रहा है, स्पिनर को स्विंग मिलने की वजह से स्पिनर अच्छे खासे विकेट से लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे स्टार्टिंग ओवर में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग ओवर में इनिशियल ओवर में पेसर को मोमेंटम मिलता है, मतलब कि बॉल में उछाल मिलता है जिसके कारण बल्लेबाजों के बल्ले के ऊपर ना गेंद आसानी से आ जाता है और कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर खड़ा करने में बल्लेबाज कमाल करते हैं। लेकिन उमूमन ऐसा हर मैच में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। तो आज का ये जो पिच का कंडीशन क्या होने वाला है वो भी आपको आगे सब कुछ पता चलेगा, तीन मैचों का लेखा जोखा जब आप देखेंगे ना तो पता चलेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ये करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर फैंटेसी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको फ्री में देता हूं, एक भी पैसा आपका नहीं लगने देता, तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल चैनल है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां आप बड़े आसानी से ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आप देख सकते हो यहां पर सब कुछ फ्री में मैं आपको देता हूं, ठीक है। अब साथ ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाखों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं, आपको भी फायदा उठाना है। देखो 85% रिजल्ट मैं हर मैच का सही देता हूं, कभी कभी 100 भी हो जाता है। आप पीछे वीडियो जो लोग भी देखे होंगे ना उनको पता है 80-85% रिजल्ट हर मैच का मेरा सही आता है, हर वीडियो का सही आता है। तो वीडियो पूरा देखोगे तभी अच्छी टीम बना पाओगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी मेरा कोई फ्रेश वीडियो आए ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है ना, और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाए। अब यहां पर सबसे पहले
यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं टोटल मैचेस जो इस ग्राउंड पे खेले गए हैं। टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, ठीक है ना। यहां पर 13 मैचेस टोटल खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 मैचेस को विन किया और वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 8 मैचेस को विन किया। तो क्या लगता है कि यहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग फर्स्ट करना पसंद करेगी, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट करने वाले को यहां पर एडवांटेज है, यहां पर चेस करना आसान है, ठीक है ना। वहीं पे आप देखेंगे स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालेंगे तो देख सकते हो यहां पर 150 से नीचे 10 बार बना हुआ है और 150 और 169 के बीच में 2 बार बना हुआ है और 170 और 189 के बीच में 1 बार बना हुआ है, 190 से ऊपर अभी तक नहीं बना हुआ है। अब एवरेज स्कोर 103 का है। देखो हालांकि बाउंड्री छोटा है, कोई बड़ा बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहां पर होता क्या है पिच धीमा हो जाता है स्टार्टिंग ओवर में, तो कहीं कहीं यहां पर आपको पेसर को उछाल मिलता है जिसके कारण बल्लेबाज अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उमन सारे मैचों में नहीं होता है जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यहां पर हाईएस्ट स्कोर 172 बना हुआ है और लोएस्ट स्कोर 66 बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में ना आपको अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करती है ना तो मुझे लगता है कि 140 से 150 का स्कोर आपको बनता हुआ दिख सकता है। वहीं पे पाकिस्तान अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो 100 से लेकर के ना 120 तक ही सिमट सकती है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके अकॉर्डिंग ही आपको टीम बनानी है और कैसे बनानी है वो सब कुछ आगे आपको एक एक करके बताने वाला हूं भाई। बजाबता प्लेइंग 11 पे चल के मैं आपको टीम बना करके दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना भाई, चाहे ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे पिछले 3 मैचों का लेखा जोखा, तो पिछले 3 मैचों का लेखा जोखा जब आप देखेंगे तो यहां पर फाइनली आपको पता चलेगा कि इस ग्राउंड पे क्या होता है, किस तरह से मतलब कि पिच बिहेवियर करता है और आज के मैच में क्या हो सकता है। देखो अक्टूबर 12 2024 को मैच हुआ था, बांग्लादेश वुमेन फर्स्ट बैटिंग करते हुए 106 रन बनाई और यहां पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने 107 रन बनाकर के मैच को चेज कर दिया था, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे पेसर को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, टोटल 2 ही विकेट मिले पेसर को। स्पिनर को 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 2 विकेट सेकेंड इनिंग में, टोटल 4 विकेट मिले। यहां पर 6 विकेट ही गिरे थे, तो विकेट भी नहीं गिरे और मतलब यहां पर विकेट भी स्लो है, मतलब कि रन भी नहीं बन रहा है और विकेट भी नहीं गिर रहे हैं, अजीब मामला है भाई। उसके बाद अक्टूबर 11 को यहां पे देखेंगे पाकिस्तान वुमेन्स ने 82 रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 83 रन बना करके इस मैच को चेज कर लिया, ठीक है ना। ये भी मैच चेज करते हुए जीता गया। पेसर को यहां पर 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 0 अनरा। वहीं पे स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट और सेकेंड इनिंग में 1, टोटल 8 विकेट। तो पेसर को यहां पर सिर्फ 3 विकेट मिले और स्पिनर को यहां पर 8 विकेट मिले। अब देखो फर्स्ट इनिंग में यहां पर 10 विकेट गिरे और सेकेंड इनिंग में सिर्फ 1। यहां पर आप देखोगे 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 3 विकेट सेकेंड इनिंग में। तो देखो फर्स्ट इनिंग में विकेट्स ज्यादा गिरते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, और वो भी स्पिनर पेसर के अपेक्षा स्पिनर यहां पे धमाल और कमाल कर सकते हैं। अक्टूबर 9 2024 की बात कर लें तो इंडिया वुमेन्स ने 172 रन का टारगेट दिया श्रीलंका वुमेन्स को, लेकिन श्रीलंका क्या क्या हुआ, 90 पे ही ढेर हो गई। अब देखोगे यहां पे ये जो मैच है डिफेंड करते हुए जीता गया, चूंकि इंडिया वुमेन्स श्रीलंका वुमेन्स के सामने स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है ना। अब यहां पे पेसर फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकेंड इनिंग में 5 विकेट, टोटल 6 विकेट यहां पर पेसर को मिले थे। आ जाओ स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकेंड इनिंग में 5 विकेट, टोटल 6 विकेट स्पिनर को मिले थे। यहां पर दोनों का मामला बराबर था, 12 विकेट गिरे थे फर्स्ट इनिंग में, यहां पर विकेट कम गिरे थे, सेकेंड इनिंग में यहां पर 10 विकेट गिरे गए, चूंकि स्ट्रॉन्ग टीम जो है ना सामने बॉलिंग कर रही थी सेकेंड इनिंग में, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं एक मैं तरीका आपको बताऊंगा आगे जिसको आपको इस्तेमाल करना है ग्रैंड लीग में, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि यहां पर ज्यादातर मैचेस ना चेस करते हुए जीता गया और चेस करना भी यहां पर आसान है, ठीक है ना, चूंकि फर्स्ट इनिंग में विकेट ज्यादा गिरने के चांसेस हैं। अब आपको दिमाग में रखना है ये चीज कि स्पिनर का दबदबा यहां पे रह सकता है, इनिशियल ओवर में पेसर एक आध विकेट ले सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमा होगा और उसका फायदा स्पिनर को मिलेगा, क्योंकि वहां पर स्पिनर का बॉल स्विंग करने लगता है जिसके कारण बैट्समैन अपना विकेट फेंक देता है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब दोस्तों आगे यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में टोटल कितने मैचेस खेले गए हैं, तो आप देखेंगे आपके सामने टोटल इन दोनों टीमों के बीच में ना 11 मैचेस खेले गए हैं। टोटल कितने खेले गए हैं, 11 मैचेस खेले गए हैं।
अब पाकिस्तान वुमेन्स ने सिर्फ दो मैचेस को विन किया है न्यूजीलैंड से, वहीं पे न्यूजीलैंड वुमेन्स ने टोटल 9 मैचेस को विन किया है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड वुमेन्स का यहां पर पलड़ा भारी है। अब देखो यहां पर मुझे लगता है कि ज्यादातर टीम आपको न्यूजीलैंड के फेवर में बनाना है, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग पाकिस्तान वुमेन्स करती है तो आप एक आध टीम बना सकते हो इसके फेवर में। कैसे बनाना है वो भी आगे आपको बताऊंगा, प्लेइंग 11 पर चल के बताऊंगा कि कहां से कितने खिलाड़ी रखने हैं, ठीक है ना, अब किस कंडीशन में रखने हैं, ठीक है ना, फर्स्ट बैटिंग सेकेंड बैटिंग ये सब कुछ एक एक करके मैं बता दूंगा। लेकिन 80% चांस जो है ना इस मैच को जीतने का जो है वो न्यूजीलैंड का है, 20% चांस ही पाकिस्तान का है, वो भी अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो 20% चांस है, अदरवाइज चांस नहीं है। अब हम यहां पर दोस्तों देखेंगे मस्ट हैव पिक, ये बहुत आसान कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए टीम बनाने के लिए, सिर्फ 3 खिलाड़ी आपको चूज करने हैं अलग से। यहां पर टोटल मैं 8 खिलाड़ी आपको फिक्स देता हूं जो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम टीम में बनता हुआ दिख सकता है। अब देखो पाकिस्तान की तरफ से 4 खिलाड़ी मैंने लिया हुआ है, मुनीबा अली आप फिक्स लेके जा सकते हो, ठीक है ना, निदा डर फिक्स लेके जा सकते हो, उसके बाद सादिया इकबाल फिक्स लेके जा सकते हो, और यहां सिर्फ 3 खिलाड़ी मैंने पाकिस्तान की तरफ से लिया हुआ है, मुनीबा अली, निदा डर और सादिया इकबाल, ये 3 खिलाड़ी आप फिक्स कर सकते हो, मतलब के चाहे वो ग्रैंडिंग हो या फिर स्मॉल लीग, ठीक है। अब 5 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से मैंने लिया हुआ है, तो देखो एमेलिया चेयर को मैंने लिया हुआ है फिक्स कर सकते हो, उसके बाद सोफी डिवाइन को लिया हुआ है फिक्स कर सकते हो, यहां पर मैंने सूजी बेट्स को लिया हुआ है फिक्स कर सकते हो, उसके बाद आर मेर को लिया हुआ है जो बॉलिंग सेशन में फिक्स कर सकते हो, और इरेन कार्सन को लिया हुआ है फिक्स कर सकते हो, ये 5 खिलाड़ी, टोटल 8 प्लेयर मैंने यहां पर लिया हुआ है जिसको आप फिक्स कर सकते हो। अब ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रैंड लीग के कुछ टीमों पे आपको मैं बताऊंगा कि सोफी डिवाइन को कैसे अपनी टीम से बाहर करना है, कुछ टीमों पे वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और यहां पर हम प्लेइंग 11 देखेंगे। देखो ये जो है भाई ये प्लेइंग 11 है पाकिस्तान का, ये जो देख रहे हो ना ये प्लेइंग 11 है पाकिस्तान का, जिसमें आप देखोगे मुनीबा अली, सिद्रा आमीन, ये दोनों आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी, ये दोनों ओपन करती हुई नजर आएंगी। वहीं पे वन डाउन पे सदफ शम्स, उसके बाद निदा डर, उमैमा सोहेल, आलिया रियाज, इरम जावेद, तोबा हसन, साइदा अरूबा शाह, उसके बाद नसरा संधु और सादिया इकबाल, ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान का रह सकता है भाई, ठीक है। अब देखो इसमें चेंजिंग तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन बेंच पर बैठे खिलाड़ी है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें कौन कितने ओवर करेगा तो मैं आपको बता दूं, नसरा संधु 3 से 4 ओवर कर सकती हैं अगर पूरा मौका मिला तो, सादिया इकबाल 3 से 4 ओवर कर सकती हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुबा हसन एक आध ओवर फेंक सकती है, ज़्यादा नहीं फेंके, सादिया अरूप शाह भी 2-3 ओवर फेंक सकती है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे उमैमा सोहेल भी ओवर करेगी 2-3 ओवर कर सकती है, निदा डर भी 2-3 ओवर कर सकती है, इस तरह से ओवर बढ़ेंगे। बाकी ये मेन बॉलर हैं, सादिया इकबाल हैं, नसरा संधू है, उसके बाद उमैमा सोहेल, निदा डर, ये सब मेन बॉलर हैं, ठीक है ना। अब देखो डेथ ओवर और स्टार्टिंग ओवर कौन करेगा, तो देखो यहाँ पे आरूब शाह जो है ना स्टार्टिंग ओवर करती हुई नजर आ सकती है, उसके बाद सादिया इकबाल, और डेथ ओवर में मैं आपको बता दूं यहां पर सादिया इकबाल, उसके बाद नसरा संधू और उमैमा सोहेल, ये करती हुई नजर आ सकती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर देखेंगे प्लेयर स्टेट्स में सारे खिलाड़ियों का एक एक करके हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए कि आज के मैच में टीम कैसे लगानी है, ठीक है ना। दोस्तों मैं ये सारा डेटा लेकर आता हूँ ना, ये सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूँ, और बहुत मेहनत के साथ ये सारा डेटा मैं कलेक्ट करके लाता हूँ, और आप लोग एक लाइक नहीं करते हो ना तो दिल टूट जाता है यार, इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक का बटन दबाना बनता है भाई, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। देखो यहां पर मुनीबा अली की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 91% लोग लेके जा रहे हैं अपनी टीम में, ठीक है, 91%, चूंकि ऑप्शन नहीं है ना भाई, 91% सबको लेके जाना है भाई। यहाँ पर देखोगे रिसेंट फॉर्म, 7 रन 17 रन 11 रन, देखो किसी भी हाल में ये ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगी और इसे फिक्स कर सकते हो अपनी टीम में, जैसा मैंने फिक्स प्लेयर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ सिद्रा आमीन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है, 19% लोग लेके जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सिद्रा आमीन का जो परफॉर्म आप देखोगे लगातार फॉलोअप हो रही है, लगातार फॉलोअप हो रही है तो लेने का मतलब ही नहीं बनता।
बाकी अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है ना तो सिद्रा अमीन को अपनी टीम में ट्राई आप कर सकते हो, एक टीम पे रख लेना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उतना बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हेडवर्ड में भी कोई खास नहीं है और वेन्यू पे भी 10 ही का एवरेज है, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो यहाँ से आप जो है ना सेकेंड इनिंग में सिद्रा अमीन को एज ए ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हो, चूंकि कम लोग अपनी टीम में कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सदर समझ की बात करें तो आप देखेंगे कि रिसेंट फॉर्म जो है ना बहुत खराब है, देख सकते हो ना बहुत खराब है, तो लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। वहीं पे नीदा डर इंपॉर्टेंट रह सकती है भाई, चूंकि देखो पाकिस्तान का जो ना ये जो नीदा डर है ना, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से बैकअप देकर के आपको ड्रीम टीम में बन सकती है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकती है, चौथे नंबर पे खेलती है। अब देखो 10 रन 0 विकेट 28 रन उसके बाद यहाँ पे 23 रन, हालांकि विकेट नहीं मिल रहे दो तीन मैचों से, लेकिन इंपॉर्टेंट रह सकती है, आपको विकेट भी लेके देगी, कहीं ना कहीं ये ड्रीम टीम में रह सकती हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वीसी का कंटेंडर भी आप मतलब बना सकते हो, अब वो कैसे बनाना है प्लेइंग 11 पे चल के आपको बताऊंगा और बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चला कि सदब को नहीं रखना है, ठीक है ना, सदब को नहीं रखना है चूंकि ये फ्लॉप जा सकती है। ओमेमा सोहेल मैंने पिछले वीडियो में बोला था, शायद कि आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा कि ओमेमा सोहेल को नहीं रखना है और वाकई फ्लॉप गई, आप देख सकते हो ना 3 रन 0 विकेट, मैंने बोला था कि फ्लॉप जाएगी, लगातार अच्छा कर रही थी, तो ग्रैनली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था कि स्मॉलिंग में लेके जा सकते हो लेकिन ग्रैनली में ड्रॉप कर देना, और वाकई में फ्लॉप हो गई, तो वीडियो देखोगे समझ में आएगा। इस मैच में मुझे लगता है कि ये अपना योगदान देगी और 30 से 40 पॉइंट मिनिमम दे सकती है, ठीक है ना, उससे ऊपर भी दे सकती है, आप वीसी भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कब करना है वो आपको बता दूंगा। आप देखोगे यहाँ पे हेडवर्ड में 2 मैच खेली हुई है और 7 रन और यहाँ पर कोई खास नहीं है, विकेट भी नहीं है। वेन्यू पे आप देख सकते हो, वेन्यू पे भी कोई खास नहीं है, 2 में 1 विकेट है, ठीक है ना, तो आप कैसे लेके जाना चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और 5वें नंबर पर खेलती है, बैटिंग करने का भी मौका मिलेगा और विकेट लेने का भी मौका, मतलब 2-3 ओवर कर सकती है ये, ठीक है, ये चीज़ समझ लो, ठीक है ना, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। अब यहाँ पर आलिया रियाज की बात करें, आलिया रियाज देखो पिछले मैच में ड्रीम टीम में थी, ठीक है ना, अमूमन ये फ्लॉप जाती है, आप देख सकते हो ना अक्सर फ्लॉप जाती है, 6ठे नंबर पे आती है, इस मैच में भी फ्लॉप जाती हुई दिखेंगी, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, तो मत लेना, ठीक है ना, आलिया रियाज को आज के मैच में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब यहाँ पे इरम जावेद की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, अब क्या आज के मैच में ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना, अपनी टीम में मत रखना, ये आपको पॉइंट्स नहीं देंगी, ठीक है ना, तो आप कट करके चलना, ठीक है। यहाँ पे तोबा हसन की बात करें, 4% लोग ही लेके जा रहे हैं, तो इससे भी आप उम्मीद मत रखो भाई, ड्रॉप करके चलना, ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको लेके नहीं जाना है, इरम जावेद को भी ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पे सईदा अरूबा शाह की बात करें, तो 2% लोग ही लेके जा रहे हैं, तो आप ग्रैंड लीग के टीम में ना, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, स्टार्टिंग अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है ना, पाकिस्तान की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो एक आध टीम पे ट्राई करना क्या जाता है भाई, हो सकता है कि स्टार्टिंग ओवर में, इनिशियल ओवर में अगर विकेट्स मिल जाए तो ठीक ठाक है, ड्रीम टीम में रह सकती है, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। नसरा संधू भी लगातार फ्लॉप हो रही है, आप देख ही रहे हो, 0 रन 0 विकेट 6 रन 0 विकेट 6 रन 2 विकेट, तो नसरा संधू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, इस मैच में मुझे लगता है कि ड्रीम टीम का हिस्सा ये बनती हुई दिख सकती हैं, तो आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। मैच 6 खेली हुई है, 3 विकेट ली हुई है, 1 मैच खेली है वेन्यू पे और यहाँ पे कोई खास नहीं है, 0 विकेट है, ठीक है ना, तो आप नसरा संधू को ट्राई कर सकते हो, कुछ टीमों पर ट्राई करना, आधी टीम पर ट्राई करना और कंडीशन कोई भी हो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आधी टीम पर ट्राई करना, ज़्यादा टीम पर ट्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब सादिया इकबाल इंपॉर्टेंट है भाई, हर टीम पे लेके जाना भाई, सादिया इकबाल अपना परफॉर्म करके आपको देगी और ड्रीम टीम में भी रहेगी। पिछले मैच में देख सकते हो 1 विकेट ली, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, इस तरह से देख सकते हो। हेड टू हेड में 3 मैच खेली हुई है, 3 विकेट लेके गई हुई है, वहीं पे 2 मैच खेली, 2 विकेट लेकर गई हुई है, तो ड्रीम टीम में रहेगी, आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना, कोई मतलब टेंशन आपको नहीं है कि चलेगी या नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें बेंच पे जो बैठे खिलाड़ी हैं, तो आप देख सकते हो बेंच पे ये बैठे खिलाड़ी है, फातिमा सना, तो फादर का डेथ हो गया है इस वजह से ये खेल नहीं रही है,
और खेलेगी भी नहीं। गुलफिरोजा है, डाइना बैग है और तस्मिया रूबीबा, ठीक है ना। ये आपको चार खिलाड़ी हैं, इनमें से एक खिलाड़ी फातिमा शना तो अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी के इन तीन में से अगर कोई अपडेट आता है कि ये कोई खेलती है तो वो आपको मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पर हम बात कर लें भाई, ये जो प्लेइंग इलेवन है न्यूजीलैंड का प्लेइंग इलेवन है। अब यहाँ पर एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आज के मैच में कौन कितने ओवर फेंकेंगी, ठीक है ना, और डेथ ओवर और स्टार्टिंग ओवर कौन करने वाली है, ताकि आपको समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आप एक यूनिक टीम बना सको, अपनी टीम में खिलाड़ियों को बड़े आसानी से कंसीडर कर सको। सुजी बेट्स के साथ जी प्लेमर आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। वहीं पे अमेलिया केयर वन डाउन पे और सोफी डिवाइन, उसके बाद ब्रूक हैलिडे और मैडी ग्रीन, इस्मेलिया गेज, उसके बाद कास पार्क और ली तोहुहु, रोजमेरी मेयर, उसके बाद इडन कार्टर। ये प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड का रह सकता है। बाकी देखो यहाँ पर कौन कितने ओवर करेगी, तो देखो अमेलिया केयर 3 से 4 ओवर करेगी, ठीक है ना, 3 से 4 ओवर कर सकती है। उसके बाद आ जाओ तो सोफी डिवाइन भी 2 ओवर तो करेगी ही, 2 से 3 ओवर कर सकती है। आ जाओ यहाँ पर बात करें तो इडन कार्टर भी 3 से 4 ओवर कर सकती है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगी। ली तो हो भी आपको 2 से 3 ओवर कर सकती है। तो इस तरह से बाकी ओवर बढ़ेंगे, एक आध ओवर बाकी के खिलाड़ी हैं वो कर सकती हैं। अब देखो स्टार्टिंग ओवर कौन करेगी, तो स्टार्टिंग ओवर आपको करती हुई दिखेगी आरमेर, ये 3-4 ओवर कर सकती है, ये इस मैच में इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी को ओवर कटेंगे लेकिन आरमेर ये 3 से 4 ओवर करती हुई आपको नजर आएंगी, तो ये स्टार्टिंग ओवर करती हुई नजर आएंगे आपको। ली तो हो ये दोनों स्टार्टिंग ओवर करती हुई नजर आएंगे, ली तो हो और रोजमेरी मेयर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डेथ ओवर कौन करेगी, तो रोजमेरी मेयर आपको डेथ ओवर नजर आएंगी करती हुई दिखी, और इडन कार्टर ये दोनों डेथ ओवर करती हुई नजर आएंगी, और अमेलिया केयर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम मतलब प्लेयर स्टेट्स को देखेंगे, और यहाँ पर फाइनली हम एक एक करके यहाँ पर हम समझेंगे कि प्लेयर स्टेट्स में कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज के मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से हो सकती हैं, क्योंकि हमें एक ग्रैंड लीग की यूनिक टीम बनानी है भाई। तो ग्रैंड लीग की यूनिक टीम बनाने के लिए हमें यूनिक खिलाड़ी को रखना है जो ड्रीम टीम में रहे। हमें सिलेक्शन परसेंटेज पर नहीं जाना है, हमें सिलेक्शन परसेंटेज पे सिर्फ ये देखना है कि भाई बड़े खिलाड़ी में कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप जा सकते हैं आज के मैच में, ताकि हमारी टीम पे ना हो और हमारा टीम टॉप पे रैंकिंग करे, ठीक है ना। बस हमारा इतनी सोच होनी चाहिए। सुजी बैट्स की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, 83% लोग अपनी टीम में कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है ना। अब रिसेंट फॉर्म देखोगे 17, 20, 27, देखो ये सुजी बैट्स ना भाई फिक्स करके जा सकते हो। सुजी बैट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती है इस मैच में भी, आपको ना मुझे लगता है कि 30 से 40 पॉइंट बड़े शौक से दे सकती है और ड्रीम टीम में रहेगी, तो आप फिक्स करके जाना, ठीक है ना। अब प्लेमर की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है, देखो पिछले मैच में 53 रन, उससे पहले 4, उससे पहले 34, उससे पहले 53, इस तरह से, तो एक मैच में चलती है दूसरे में फ्लॉप होती है, ठीक है ना। तो 64% लोग लेके जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा चांस है फ्लॉप होने का। बाकी आप ग्रैंड लीग में चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता कि इसमें ज़्यादा चांस है फ्लॉप होने का, तो लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता। तो एक खिलाड़ी यहाँ से आप उठा सकते हो जे बेट्स को, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं अमेलिया केयर, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भाई, लगातार आप देख रहे हो ना कितना तगड़ा खेल रही है। 34 रन 2 विकेट, 29 रन 4 विकेट, 13 रन 1 विकेट, यार गजब है, गजब है भाई। देखो यहाँ पर हेड टू हेड में 6 मैच खेली हुई है और 11 विकेट लेकर गई हुई है, वेन्यू पे 1 मैच खेली हुई है, उसके बाद यहाँ पर 1 विकेट है और 13 रन है, इस तरह से। तो इस मैच में सीबीसी का मेन कंटेंडर है, रख सकते हो। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इस मैच में भी ये देने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। सोफी डिवाइन की बात करें, 83% लोग लेके जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि भाई सोफी डिवाइन के ऊपर ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, चूंकि 83% लोग लेके जा रहे हैं। अब पिछले मैच में देखो 13 रन नाबाद 0 विकेट, उससे पहले 7 रन और उससे पहले 57 रन, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस मैच में क्या चलेगी, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आपको ड्रॉप करने का रिस्क लेना है कुछ टीमों पर लेना है, ज़्यादा टीमों पर नहीं, ठीक है ना, चूँकि बड़ी प्लेयर है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग न्यूजीलैंड की आती है ना, उस कंडीशन में आपको कुछ टीमों पे ड्रॉप करना है, बाकी आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फाइनली समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बी हैलिडे की, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 25% लोग ही लेके जा रहे हैं। तो 5वें नंबर पर खेलती है,
तो अगर आप सोफी डिवाइन को ड्रॉप करोगे तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में अब बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हो, 25% लोग ही लेके जा रहे हैं, एज ए ट्रम्प प्लेयर आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैडी ग्रीन की बात करें तो ड्रॉप कर देना भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता। मैडी ग्रीन की जगह आप जो है ना ये मुनीबा अली को लेके जाना, ठीक है ना, एक ही खिलाड़ी रखना, ठीक है, बेटर रहेगा। बाकी आगे हम यहाँ पर और भी खिलाड़ी का यहाँ पर डेप्थ एनालिसिस करेंगे और बजाते प्रीमियर पर चल के बताएंगे। देखो यहाँ पर इस्माइलिया गेस को भी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, तो आप ड्रॉप करके जाना भाई। विकेट कीपर सिस्टम में खेलते हुए दिखेंगी तो आप ड्रॉप कर देना, मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर देख लो, इसको तो हमें ड्रॉप ही करना है। अब यहाँ पर देख लो आकाश पार्क राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट इस तरह से भाई, और 48% लोग लेके जा रहे हैं। तो देखो मुझे लगता है कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो बेटर रहेगी, आप ट्राई कर सकते हो। कम लोग लेके जा रहे हैं, इसका फायदा आपको उठाना है। कुछ टीमों पर तो ट्राई कर लेना भाई, कुछ टीमों पर ट्राई करना, रोटेट करना है, वो आगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो अब हम दोस्तों और भी खिलाड़ी के ऊपर जो बॉलर्स हैं न्यूजीलैंड की तरफ से उसके ऊपर देखते हैं। लीथ हो की बात करें, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, अब देख सकते हो 74% लोग लेके जा रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, उसके बाद यहां पर 1 रन 0 विकेट लगातार 2 मैचों से फ्लॉप, और यहां पर देखो फर्स्ट इनिंग में जब बॉलिंग आए तो ही रखना, और वो भी कुछ टीमों पर रखना, अदरवाइज आपको ड्रॉप कर देना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ही राइट आर्म फास्ट बॉलर को जो है ना इनिशियल ओवर में कहीं ना कहीं मोमेंटम मिलने की वजह से ना उछाल मिलता है, और जिसके कारण बल्लेबाज क्या है ना कभी कभी बाउंड्री बाहर भी कर देता है और कैच भी पकड़ा देता है, तो ये उस कंडीशन में 1-2 विकेट लेकर के डीम पी में रह सकती है, अदरवाइज आप ड्रॉप करके जा सकते हो। रोजमेरी मेरी की बात करें तो ये बहुत ही मतलब विकेट टेकिंग नेचर की बॉलर है, कहीं ना कहीं विकेट से लेती, पीछे मैच में विकेट नहीं ले, इस मैच में विकेट ले सकती है। अब वेनी यहाँ पर वेनी पे देखते तो 1 मैच में 4 विकेट है, तो इंपॉर्टेंट है कि इसको लेके जाना भाई हर हाल में, ठीक है ना। बाकी आप जो है ना एल्तहू पे आप रिस्क ले सकते हो, फर्स्ट टीम में चाहो तो एकाद मतलब टीम में ट्राई करना है, अदरवाइज आपको ड्रॉप करके जाना है, ठीक है। बाकी आप जितने भी खिलाड़ी के ऊपर मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ तो उसमें इडन कार्सन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो 55% लोग ही लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा परफॉर्म करके भी दिखा रही हैं। देख सकते हो 1 विकेट 5 रन, यहाँ पर 2 विकेट 1 विकेट एक ही बार जो है ना फ्लॉप गई हैं। अब हेड टू हेड में 3 मैच खेली हुई, 3 विकेट लेके गई है, वहीं पे 1 मैच में 2 विकेट है। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगी कम से कम 2 विकेट लेके देगी आपको, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है ना। तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी ये सारा आपको डेटा मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है ना बेंच पे जो बैठे खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो आप देख सकते हो बेंच पे कितनी खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी बैठी हुई हैं, फ्रांस जोनस, उसके बाद जेस केयर और मोली पेनफोल्ड और हना रोबे, ये 4 खिलाड़ी बेंच पे बैठी हुई है, जिसका लेखा जोखा है आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। बाकी इसमें से कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, तो टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर भाई ये प्लेइंग 11 है और ये एक टीम है, ये टीम नहीं है, ये फाइनल मैं आपको ये बताया हूँ कि ड्रीम 11 पे अभी से जो 11 प्लेयर को सबसे ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं वो 11 प्लेयर ये हैं, जिनको सबसे ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और वहीं पे कैप्टन जिनका सबसे ज्यादा कैप्टेंसी सिलेक्शन परसेंटेज है और वाइस कैप्टेंसी सिलेक्शन परसेंटेज है, किसका, आर मेयर का, जिसके बारे में मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट रहेगी, ये है रोजमेरी मेयर, ठीक है ना। तो इसको सबसे ज़्यादा लोग वाइस कैप्टन बनाए हुए हैं और इसको सबसे ज़्यादा कैप्टन बनाए हुए हैं, और यही खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से 4 और बाकी के ये सारे खिलाड़ी जो है ना हाई सिलेक्शन वाली खिलाड़ी है, जिनको अपनी टीम में लोग लेके जा रहे हैं। तो क्या ऐसी टीम बनाने से आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब देखो ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनानी है वो आपको फाइनल बताऊंगा, कैसे कैसे किसको ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाकिस्तान अगर फर्स्ट बैटिंग करती है, पाकिस्तान की टीम ये है और न्यूजीलैंड की टीम ये है, पाकिस्तान अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो कितने खिलाड़ी रखने हैं। देखो वैसे भी आपको 3 से 4 ही खिलाड़ी पाकिस्तान के रखने हैं, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है पाकिस्तान ना तो मुझे लगता है कि आप 3 खिलाड़ी रखना,
तीन या चार भी रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं किस किस को ले रहा हूँ, तो एक तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मुनिवाली को, ये तो कंपलसरी है लेके जाना है, ठीक है ना। सिद्रा अमीन को जैसा कि मैंने बताया आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई मत करना, सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग आए तो ट्राई करना, सिद्रा अमीन को सेकेंड इनिंग में ट्राई करना। अब यहाँ पर निदा डर को लेना है तो ये दूसरी हो गई, ठीक है ना। उमैमा सोहेल को भी आप ले सकते हो, तीसरी हो गई। और यहाँ पर सादिया इकबाल को मैं ले रहा हूँ तो ये चौथी हो गई। ये चार खिलाड़ी मैंने रख लिया। अब इधर से हमें रखना है सात खिलाड़ी। अब वो सात कौन से प्लेयर हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखो सुजी बेट्स पहला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अमेलिया केर दूसरी, सोफी डिवान तीसरी। चूंकि सोफी डिवान को ड्रॉप करना है फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आया, अभी ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही है इसलिए सोफी डिवान को ले रहा हूँ, तीसरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लेके जाओगे किसको, रोज मैरी मेयर को, यहाँ चार, ये चौथी हो गई। और इडन कार्सन ये पांचवी हो गई, ठीक है ना, ये पांच हो गई। अब दो खिलाड़ी हमें चूज करना है वो किसको लेके जाना है, तो दो खिलाड़ी में ये सेकेंड इनिंग में कर रही है ना, इसलिए आप प्लेमर को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गई छठी खिलाड़ी। और सातवीं किसको लेके जाना है, तो सातवीं देखो ये जी प्लेमर की जगह आप यहां पर ना इसको भी दे सकते हो, ब्रुक हॉलिडे को, ठीक है ना, या तो इसको रखो या फिर इसको रखो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे आप ली तो हो को आप ट्राई कर सकते हो या फिर कास्पर को, बेटर है कि कास्पर, ठीक है ना। तो ये सातवीं खिलाड़ी हो गई। अब देखो कैप्टन किसे बनाना है, तो कैप्टन ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्टन के लिए अमेलिया केर, ठीक है ना। उसके बाद सोफी डिवाइन को भी आप बना सकते हो, ये दो खिलाड़ी है ना जो कैप्टेंसी के लिए बहुत ही बेटर है यहां से। अब वीसी किसे बना सकते हो, तो वीसी का आपके पास ऑप्शन है, तो वीसी का ऑप्शन है क्या, उमैमा सोहेल वीसी बना सकते हो। और निदा दर को मतलब यार मत बनाना यार, एक एक टीम पे ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उमैमा सोहेल को इधर से वीसी बना सकते हो, या फिर यहां से रोज मेयर को वीसी बना सकते हो और इडन कार्सन को वीसी आप बना सकते हो। ये हो गया फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग पाकिस्तान कर रही है। अब फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग न्यूजीलैंड करेगी तो कैसे करना, तो देखो यहां से फिर भी आपको सात प्लेयर लेके जाना है, सात प्लेयर तो लेके जाना ही है। सुजी बेट्स को आपको रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे अमेलिया केर को रखना है दूसरा, ठीक है ना, जी प्लेमर को रखना है तीसरा, ठीक है ना। यहां पर सोफी डिवान को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले, ये नहीं कहता हूं कि सारी टीमों पर करना है, आप कुछ टीमों पे चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ग्रेनली की टीम बनानी है ना। तो आप देखो देखो सोफी डिवाइन को हम यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हाई सिलेक्शन वाली खिलाड़ी है। तो यहां पे मैं लेके जाऊंगा किसको, देखो यहां पर सबसे पहले हम इधर से ले लेते हैं कास्पर को लूंगा, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए, ये चौथी, ठीक है। यहां पर रोज मैरी को लूंगा, ये पांचवीं, और इडन कार्सन को ये छठी। एक खिलाड़ी हमें ढूंढना है, अब वो एक खिलाड़ी कौन सी होगी, वो एक खिलाड़ी हो सकते हैं ब्रूक हॉलिडे, ठीक है ना, ब्रूक हॉलिडे या फिर आई गेस, ठीक है ना, इन दोनों में से आप रख सकते हो। या फिर आपके पास ऑप्शन है, किसका ऑप्शन है, सोफी का, लेकिन सोफी डिवाइन को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखो कैसे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक खिलाड़ी मान लो इसाब बेल गैस को ले लेते हैं, तो यहां पर ये सातवीं खिलाड़ी हो जाएगी। अब यहां से चार खिलाड़ी हमें उठाना है, वो चार खिलाड़ी कौन, मुनिबा अली पहला, उसके बाद यहां पे आप सिद्रा अमीन को ले सकते हो, तो ये दूसरी हो गई। अब यहां पे निदा डर को फ्लॉप मतलब ड्रॉप करके ना यहां पे उमैया सोहेल को लेना है, ये तीसरी हो गई। ग्रैंडली की टीम बना रहा हूं भाई, ग्रैंडली की, समझना बात को। उसके बाद यहां पे सादिया इकबाल चौथी हो गई, ठीक है। अब कैप्टन किसे बनाओगे, तो कैप्टन जाहिर सी बात है अमेलिया केर को ही बनाओ, चूंकि ऑप्शन वही है भाई, सोफी डिवान को हमने ड्रॉप कर दिया। अब यहां पे कैप्टन आप बना सकते हो रोज मैरी मेयर को भी आप कैप्टन बना सकते हो, ठीक है ना। सुजी बेट्स को तो बना नहीं सकते। अब यहां पर वाइस कैप्टन आप दे सकते हो उमैमा सोहेल को, ठीक है ना। वीसी आप यहां पे सोहेल को दे सकते हो, और वीसी यहां से इडन कार्सन को भी दे सकते हो। तो इस तरह से भाई सोफी डिवान को हमने क्यों ड्रॉप कर दिया, देखो सोफी डिवान को ड्रॉप करने का मतलब, और यहाँ पर निदा डर को ड्रॉप करने का मतलब है कि अब हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को भी आप सीबीसी बनाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने दो खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जो बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, उसको ड्रॉप कर दिया आपने। अब अगर सोफी डिवाइन को आप रखते हो तो थोड़ा सा आपको कैप्टनसी सिलेक्शन परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ेगा। मान लो अमेलिया केर को आप कैप्टन बनाते हो क्योंकि हाई सिलेक्शन वाली है, तो आपको वीसी बनाना है थोड़ा सा कम सिलेक्शन वाली को, जो 8 से 10% ज्यादा से हो, 5% हो, जिसका वीसी सिलेक्शन परसेंटेज हो, ऐसे खिलाड़ी को आपको रखना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रैंड लीग की टीमों में आपको दो तरह से आपको रिस्क लेना पड़ता है, या तो सीबीसी पे रिस्क लेना पड़ता है, या फिर आपको बड़े खिलाड़ी पे जिसका सिलेक्शन परसेंटेज होता है ऐसे दो तीन खिलाड़ी पे रिस्क लेना होता है। तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको टीम देते हैं भाई, टीम भी देना आपको जरूरी है। अब वो टीम कौन सी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। स्मॉल लीग की टीम मैं आपको दे रहा हूं, देखो स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए मैं आपको ये दे रहा हूं,
बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा और ग्रेनली की भी टीम टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। देखो यहाँ पर मुनिवारी को लिया हुआ मैंने विकेट कीपर सेक्शन में और सुजी बेट्स को और जी प्लेमर को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑलराउंड सेक्शन में अमेलिया कोर केयर को कैप्टन बनाया हुआ है, निदाडर को लिया हुआ है, सोफी डिवाइन को लिया हुआ है, ए सोहेल को लिया, विसी बनाया हुआ है और कास्पर को लिया हुआ है। ये पांच खिलाड़ी मैंने लिया हुआ है। स्मॉली की टीम है, शाजा इकबाल को लिया हुआ, आर मेयर को लिया हुआ और ई कार्सन को लिया हुआ है। तो ये अभी के लिए ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर आपको बेनिफिट उठाना है डेली मैचों में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जाना बनता है भाई। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।